लोकसभा चुनाव में पहले चरण का मतदान हो चुका है, जबकि 6 चरण अभी बाकी हैं, जिसके लिए सियासी दलों ने अपनी पूरी ताकत सियासी रण में झोंक दी है। लेकिन इस सियासी जंग में कई नेता ऐसे भी हैं जिनके बीच बयानबाजी की मर्यादा को लांघने की होड़ लगी है। विरोधियों को नीचा दिखाने के लिए नेता शब्दों की मर्यादाओं को तार तार करने में जरा भी गुरेज नहीं कर रहे हैं। और इस कतार में सबसे नया नाम जुड़ गया है, गुजरात में कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष अर्जुन मोढवाड़िया का, जिनके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर ऐसे बोल बिगड़े कि वो खुद ही हो गए हेट विकेट। अर्जुन मोढवाड़िया गुजरात में कांग्रेस के बड़े चेहरे हैं। वो गुजरात कांग्रेस के अध्यक्ष रह चुके हैं। वो गुजरात विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष के पद पर कई साल तक रहे हैं। 10 साल तक वो विधायक रहे हैं। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर कांग्रेस के इस नेता ने ऐसी टिप्पणी की है कि जिसे राजनीति के मंच पर शायद ही कोई जायज ठहरा सकता है। કોઈ મજબૂત માણસ હોય અમારા બલદેજી જેવાનો તો એની છાતી કેટલાની હોય ખબર છે? 36 ઇંચ ની હોય કે ના હોય? પહેલવાન હોય જે WWF માં લડતા હોય એની કેટલી હોય? 42 ઇંચ. 56 ઇંચ ની છાતી કોની હોય? અને 100 ઇંચ ની છાતી. अर्जुन मोढवाड़िया भले ही शब्दों की मर्यादा भूल गए हों, लेकिन उन्हें ये तो जरूर याद रखना चाहिए था कि ये पीएम मोदी के 56 इंच के सीने का ही कमाल था कि पुलवामा का बदला पाकिस्तान में घुस कर लिया। बालाकोट में एयर स्ट्राइक का मादा कोई 56 इंच वाला सीना ही रख सकता है। अर्जुन मोढवाड़िया शायद ये भी भूल गए कि जब उरी हमले के बाद पाकिस्तान मुस्कुरा रहा था तो कैसे 56 इंच वाले प्रधानमंत्री मोदी ने सेना को पाकिस्तान की धरती पर सर्जिकल स्ट्राइक करने की इजाजत दी थी। अर्जुन मोढवाड़िया ये भी भूल गए कि आज अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप हो या फिर रूस के राष्ट्रपति पुतिन, पीएम मोदी दुनिया के हर बड़े नेता की आंखों में आंखें डालकर बात करते हैं। और इसके लिए 56 इंच की छाती चाहिए, क्योंकि आजाद भारत का इतिहास गवाह है कि कांग्रेस के राज में शायद ही किसी प्रधानमंत्री ने अमेरिका के राष्ट्रपति की आंखों में आंखें डालकर बात करने की हिम्मत दिखाई हो। लेकिन ऐसा नहीं है कि अर्जुन मोढवाड़िया ने पहली बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर अपनी भड़ास निकाली है। 2012 के विधानसभा चुनावों के दौरान भी अर्जुन मोढवाड़िया ने नरेंद्र मोदी पर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी, जिस पर उनको चुनाव आयोग से नोटिस भी दिया गया था। लेकिन कहते हैं ना कि रस्सी जल गई पर बल नहीं गए, कुछ ऐसा ही हाल मोढवाड़िया का भी है। कांग्रेस के ये कद्दावर नेता विधानसभा के 2-2 चुनाव हार चुके हैं, लेकिन सियासी हमला सीधे प्रधानमंत्री पर करेंगे। यहाँ कसूरवार सिर्फ अर्जुन मोढवाड़िया का नहीं है, बल्कि कांग्रेस नेताओं के बीच तो जैसे इन दिनों इस बात की होड़ लगी है कि कौन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ज्यादा गालियां देगा। इन नेताओं को लगता है कि पीएम मोदी को गालियां देने से उनके अच्छे दिन आ जाएंगे। हालांकि कहीं ऐसा ना हो कि पीएम मोदी को बोल्ड करने के चक्कर में कांग्रेस के नेता कहीं खुद ही हिट विकेट ना हो जाएं। शब्दों की मर्यादा को लांघने की कांग्रेस नेताओं के साथ बीजेपी के भी एक नेता का नाम जुड़ गया है। गुजरात बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष जीतू वघानी भी विरोधियों पर निशाना साधने के चक्कर में इतने आगे चले गए कि वो शब्दों की मर्यादा ही भूल गए। कांग्रेस के अर्जुन मोढवाड़िया हो या बीजेपी के जीतू वघानी, इतना तो तय है कि बयान वीर बनने के चक्कर में ये अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार रहे हैं और चुनाव की पिच पर विरोधियों को बोल्ड करने के चक्कर में खुद ही हो रहे हैं हेट विकेट। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।
2019 के सियासी महासंग्राम में कौन जीतेगा, किसके सिर पर सजेगा जीत का सहरा, कौन बनेगा देश का अगला प्रधानमंत्री, इसका फैसला भारत की 130 करोड़ जनता करेगी। लेकिन देश के इस सियासी संग्राम में अब मुस्लिम समाज की एक धार्मिक संस्था भी कूद पड़ी है, जिसकी एक अपील से धर्म निरपेक्षता का चोला ओढ़ने वाले सियासी दल हो गए हैं हेट विकेट। चुनाव में धर्म और जाति के नाम पर वोट मांगने की मनाही है, सुप्रीम कोर्ट से लेकर चुनाव आयोग तक इस पर सख्त हैं। लेकिन लोकसभा चुनाव का पारा चढ़ते ही एक बार फिर धर्म के नाम पर वोट का खेल शुरू हो गया है। मुसलमानों के धार्मिक संगठन जमाते इस्लामी हिंद ने यूपी में खुलेआम एसपी बीएसपी और आरएलडी के गठबंधन को वोट देने की अपील की है। कि इस वक्त मौजूदा सरकार की पॉलिसियों से आवाम नाराज है और देश के अंदर जो लॉ एंड ऑर्डर का मसला पैदा हुआ है, मॉब लिंचिंग का मसला पैदा हुआ है, रैप के वाकयात हुए हैं, महंगाई बढ़ी है, बेरोजगारी बढ़ी है, उससे जनता त्रस्त है, परेशान है। अब जबकि लोकतंत्र में हमें इस अवसर मिला है तो प्रदेश की जनता से हम अपील करते हैं कि अपने मतों का प्रयोग करते हुए मौजूदा सरकार को उखाड़ फेंके। जमाते इस्लामी हिंद का ये बयान बीएसपी अध्यक्ष मायावती के उस बयान की तस्दीक करता है, जिसमें माया ने कहा था कि बीजेपी को कांग्रेस नहीं बल्कि एसपी बीएसपी आरएलडी का गठबंधन ही हरा सकता है। तो क्या बीजेपी को फिर से सत्ता में आने से रोकने के लिए एसपी बीएसपी और आरएलडी ने मुस्लिम धार्मिक संगठनों के साथ भी गठजोड़ कर लिया है? जमाते इस्लामी हर कीमत पर यूपी में बीजेपी को हराना चाहता है, इसलिए जहां एसपी बीएसपी आरएलडी का गठबंधन कमजोर होगा, वहां जमाते इस्लामी ने कांग्रेस को समर्थन करने का ऐलान कर दिया है कि हम यहां पर गठबंधन को सपोर्ट करेंगे और जनता की अपील, जनता से अपील करते हैं कि वो गठबंधन के उम्मीदवारों को जिताएं। अलबत्ता चंद सीटें ऐसी हो सकती हैं उत्तर प्रदेश के अंदर जिनकी तादाद 6-7 है, जिन पर एनालिसिस कर रहे हैं, वहाँ हमारा सपोर्ट कांग्रेस के हक में होगा। हमारा प्रयास ये है कि मौजूदा सरकार को उखाड़ फेंके और उसके मुकाबले में दूसरे लोग बरसरे किरदार हों। ऐसा पहली बार नहीं है कि जब किसी मुस्लिम धार्मिक संगठन या धर्म गुरु ने किसी राजनीतिक दल या गठबंधन के समर्थन में वोट की अपील की है। दिल्ली की जामा मस्जिद के इमाम पहले भी कई चुनावों में यूपी के मुसलमानों से बीजेपी को हराने के नाम पर कभी कांग्रेस तो कभी समाजवादी पार्टी के पक्ष में वोट की अपील कर चुके हैं। लेकिन आपको ये जानकर हैरानी होगी कि यूपी में बीजेपी को हराने के लिए मांग कर रही जमाते इस्लामी के दर्द की जड़ें जम्मू कश्मीर में है। कश्मीर में अलगाववादियों की नकेल कसने वाले मोदी सरकार ने देश विरोधी गतिविधियों के सिलसिले में जमाते इस्लामी पर भी शिकंजा कस दिया है। जम्मू कश्मीर समेत देश भर में जमात के 70 ठिकानों पर छापे पड़े और 50 करोड़ से ज्यादा की उसकी संपत्ति जब्त कर ली गई। इसलिए इस चोट पर बिलबिला रही जमाते इस्लामी ने बदला निकालने के लिए चुनाव को हथियार बना डाला। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।